दोस्तों सचिन देव बर्मन यानी कि एसडी बर्मन संगीत की दुनिया में एक ऐसा नाम रहे हैं जिन्होंने अपने सुरों से एक नए युग की शुरुआत की। उनके नगमों और संगीत को चाहकर भी नहीं भुलाया जा सकता। आज उनके चाहने वालों के लिए उनके संगीत के सफ़र के साथ हम लाए हैं कुछ अनसुने किस्से। ये किस्से सुन आप जान पाएंगे कि कितने अद्भुत थे एसडी बर्मन। एसडी बर्मन को अलग अलग राज्य के संगीत प्रेमी अलग अलग नामों से पुकारते थे। कलकत्ता के लिए तो वह सचिन कारता, तो मुंबई के लिए बर्मन दा थे। इसी तरह बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के रेडियो श्रोताओं में शोचिन देव बर्मन के नाम से जाने जाते थे। वहीं सिने जगत के लिए एसडी थे। एसडी बर्मन त्रिपुरा के राजा नवदीप चंद्रदेव बर्मन के बेटे थे। सचिन नौ भाई बहनों में से एक थे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा अपने पिता और सितार वादक नवदीप चंद्रदेव बर्मन से ली। इसके आगे का संगीत उन्होंने उस्ताद बादल खान और भीष्मदेव चट्टोपाध्याय से सीखा। यहीं से उनकी शास्त्रीय संगीत की जड़ें पक्की हो गईं। अपने पिता की मौत के बाद वो घर से निकल गए और जंगलों में घूमते रहे। उन्होंने घूम घूम कर बंगाल और आसपास के लोग से संगीत की जानकारी ली। 1930 में एसडी बर्मन ने कोलकाता में सुर मंदिर नाम से अपने संगीत विद्यालय की स्थापना की। अब लोग उन्हें गायक के रूप में पहचानने लगे थे और वो फेमस हो गए। उन्होंने राजकुमार निशाने के लिए 1940 में एक बंगाली फिल्म में संगीत दिया। उनकी एक स्टूडेंट थी मीरा दास गुप्ता, जिन्हें वो संगीत की तालीम देते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों ही एक बहुत अच्छे परिवार से थे, इस वजह से दोनों के प्यार को स्वीकार नहीं किया गया। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे को छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगे, लेकिन एसडी बर्मन ने ऐसा करने से मना कर दिया और मीरा से शादी कर ली। 1939 में राहुल देव बर्मन का जन्म हुआ। शादी के बाद एसडी बर्मन मुंबई आ गए, लेकिन मुंबई में काम आसान नहीं था। वहाँ उन्हें पहचान मिलने में वक्त लगा। इससे हताश एसडी बर्मन ने वापस कलकत्ता जाने का फैसला किया। यही वो समय था जब अशोक कुमार ने उन्हें रोक लिया और कहा, मशाल का संगीत दो फिर तुम आज़ाद हो। दादा ने फिर मोर्चा संभाला। मशाल का संगीत सुपरहिट हुआ। इसी वक्त एसडी बर्मन की मुलाकात देवानंद से हुई, जिनकी सिने जगत में अच्छी पहचान थी। देवानंद ने एसडी बर्मन को बाजी का संगीत देने को कहा। फिल्म का संगीत काफ़ी हिट रहा। उन्होंने अपने बेटे आरडी बर्मन और नासिर हुसैन को भी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी। बहुत से गाने तीनों ने साथ मिलकर बनाए। एक समय ऐसा भी आया था जब लता मंगेशकर ने उनके साथ रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया था, यानी कि वो इनके साथ गाने नहीं बनाती थीं। इसके बाद उन्होंने आशा भोसले और गीता दत्त के साथ एक के बाद एक कई हिट गाने दिए। उन्होंने आशा भोसले, किशोर कुमार और हेमंत कुमार को भी बतौर गायक पेश किया। उन्होंने रफ़ी साहब से सॉफ्ट गाने गवाए, जब अन्य संगीतकार उनसे हाई पिच वाले गाने गवा रहे थे। बर्मन दा की हमेशा कोशिश रहती कि एक बार जो संगीत उन्होंने दिया उसको अगले किसी भी गाने में दोहराया ना जाए। इसी वजह से उनके किसी भी गाने में ऐसा कभी नहीं लगा कि पहले भी किसी गाने में दिया गया हो वो धुन या वो गीत या वो संगीत। बर्मन दा पर एक किताब भी लिखी गई है जिसका नाम है एसडी बर्मन, द वर्ल्ड ऑफ हिज म्यूजिक। इस किताब में लेखक एसके राय चौधरी ने एसडी बर्मन के जीवन से जुड़े कई किस्सों के बारे में बताया है। सचिन दा ने आरडी बर्मन को एक संगीतकार के रूप में संवारा था, लेकिन राहुल देव बर्मन ने अपने पिता के शैली के विपरीत जाकर संगीत देना शुरू कर दिया। वो अलग अलग तरह के साजों में हाथ आजमाते थे। इसी के चलते एक बार एसडी बर्मन अपने बेटे का प्रचलित गाना सुनकर बहुत दुखी हो गए थे। जब दम बारो दम गीत गाया जा रहा था तो तब एसडी बर्मन स्टूडियो से उठकर बाहर चले गए थे। उनका लटका हुआ चेहरा बयां कर रहा था कि वो बहुत दुखी हैं। वो इस बात से दुखी नहीं थे कि देवानंद ने हरे रामा हरे कृष्णा के लिए उनकी जगह उनके बेटे को मौका दिया, बल्कि वो इस बात से दुखी थे कि उनके बेटे ने उन्हें छोड़ दिया, उनकी विरासत को छोड़ दिया था। सचिन दा को फुटबॉल और टेनिस से बेहद प्यार था और वो इन खेलों में काफ़ी माहिर थे।
जब ईस्ट बंगाल और मोहनदगान के बीच मैच हो रहा होता था तो कोई उन्हें फुटबॉल के मैदान से दूर नहीं रख सकता था। सचिन ईस्ट बंगाल के प्रबल समर्थक थे। अपनी टीम के मैच हारने पर वो खाना पीना छोड़ देते थे। वो उस दुख के मारे रोते थे। उन्हें अपनी खुश मिजाजी में लौटने में कई दिन लग जाते थे। अपने आखिरी समय में सचिन कोमा में चले गए थे। उन्हें ठीक करने की हर कोशिश नाकाम हो गई थी, लेकिन उन्होंने एक बात सुनकर अपनी आंखें खोल दी थीं। एक दिन ईस्ट बंगाल और मोहनदगान के बीच फुटबॉल लीग हो रहा था। इस मैच में ईस्ट बंगाल ने मोहनदगान को 5-0 से हरा दिया। राहुल ने जब यह खबर अपने पिता के कान में चिल्ला कर दी, इस पर उन्होंने आखिरी बार अपनी आंखें खोल दी थीं। और फिर 31 अक्टूबर 1975 को ये हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो देखा आपने दोस्तों, कितना प्यार था सचिन दा को फुटबॉल से। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवां, वही रास्ते। मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।